हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब आज हम आपका एनहांसमेंट ऑफ़ फ़ूड प्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन जैसे कि नया सिलेबस आया है नया रिड्यूस्ड सिलेबस जो आपको बताया गया है 25 परसेंट रिडक्शन के बाद तो उसमें ये जो हम पढ़ रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग के बारे में और एनिमल हस्बेंड्री के कुछ चैप्टर्स तो ये जो ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं ये टॉपिक आपके पोर्शन में से स्किप कर दिया गया है लेकिन हमने 90 परसेंट टॉपिक कवर कर लिया है और ये जो बस लास्ट का थोड़ा सा फार्मिंग टेक्निक बचा है दैट इज़ फिशरीज सेरिकल्चर एंड लैक कल्चर वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं इसको इनकम्प्लीट छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा एक टॉपिक ही रह जाएगा ओके तो वो फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं उसको ज़्यादा नहीं मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगी एकदम क्विकली क्विकली देख लेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी अगर आपको फार्म मैनेजमेंट टेक्निक्स के अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए और जाकर ज्ञान लैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले रिड्यूस्ड पोर्शन का नया नोटिफिकेशन मिलता रहे डन थैंक यू लेट्स बिगिन ऑलराइट सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इज फिशरी एंड और वी कैन कॉल इट एज फिशिंग कल्चर एज वेल फिश फार्मिंग एज वेल नाउ दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी कैच फिश वी प्रोसेस फिश एंड देन वी प्रिजर्व इट एंड देन वी डू द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द फ़िश फिशिंग कल्चर में हम क्या करते हैं बेसिकली फ़िश फार्मिंग में हम फिशेज को पकड़ कर उसको प्रोसेस करके उसको प्रिजर्व करते हैं फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक है और उसमें से जो इम्पोर्टेंट वाइटमिन या ऑइल प्रोड्यूस होता है तो प्रोसेसिंग के टाइम पर हम वो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि फटाफट हमको क्या बताया गया है फिशरी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी अप्लाइड बायोलॉजी मतलब क्या होता है कि ये कोई प्रॉपर मेन स्ट्रीम नहीं है ये बायोलॉजी uh, का एक छोटा सा पार्ट है इसीलिए हम इसको बोलते हैं अप्लाइड बायोलॉजी ओके इट इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी विच डील्स विद द कैचिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग मतलब किसी फिश में से कोई चीज अगर एक्सट्रैक्ट करनी है तो उस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग बोलेंगे फ़िश फार्मिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ़िश एंड अदर यूजफुल एक्वेटिक एनिमल्स सिर्फ फ़िश ही नहीं एक्वेटिक मतलब हमारे फोना में एनिमल्स में एक्वेटिक फोना जो होता है वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो मैन काइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल द टर्म्स ओके सो अदर देन फिश विच अदर एनिमल्स वी कैन कैप्चर फ्रॉम वाटर बॉडीज दे आर प्रॉन्स लॉबस्टर्स ऑइस्टर्स मसल्स एंड क्रैप्स ये ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो हम पानी में से ऑप्टेन कर सकते हैं फॉर आवर बेनिफिट थ्री डिवीजन ऑफ फिशरी आर नाउ फ़िशिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स इनलैंड फिशरी मतलब जब आप घर के अंदर ही या जब आप इंडस्ट्रियल फार्मिंग करते हो तो पॉइंट्स बनाते हो या छोटी छोटी रिवर्स में जब आप फ्रिश फिश को ग्रो करते हो उनके ब्रीडिंग कराते हो तो इसको इनलैंड फिशरी बोलते हैं सेकेंड आता है मरीन फिशरी वेन यू कैच द फिश फ्रॉम मरीन वाटर बॉडी एंड द थर्ड वन इज एस्ट्रीन फिशरी एस्टोरियन फिशरी क्या होता है जब आपका रिवर एक सी से मिलता है छोटी सी नदी जब किसी बड़े से समुद्र से मिलती है तो उसका

डैम्स एंड रिवर आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि इनलैंड वाटर बॉडीज कौन से हैं इनलैंड मतलब छोटे से लिमिटेड एरिया में फिशेस को ग्रो करना तो डैम हो गया लेक हो गई पॉन्ड छोटा सा तालाब छोटी छोटी रिवर्स इस पर्टिकुलर टाइप के वाटर बॉडी को हम इनलैंड फिशिंग बोलते हैं ठीक है इनलैंड एक्वेटिक एरिया ऑफ आर कंट्री कवर्स अबाउट अपनी कंट्री में इंडिया में टोटल इनलैंड फिशिंग एरिया अगर काउंट किया जाए तो कितना बताया गया है फोर्टी टू फिफ्टी लैख एकर्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बिल्ड इनलैंड फिशरी ओके द कॉमन फ्रेश वाटर फिश आर लैबियो रोहिता जिसको हम रोहू बोलते हैं कैटला कैटला सिधाना मृगला जिसको मृगला बोलते हैं एंड अदर सच काप्स सो दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ फिशेज विच आर ऑप्टेंड विच आर कैच्ड From the inland fishing, uh, inland water bodies. Did you understand this? Okay. Now, next is marine fishery. Okay. वॉट डू वी डू इन मरीन फिशरी ऑब्वियसली बात है कि हम मरीन वाटर बॉडीज से फ़िशज कलेक्ट करते हैं सो ए मरीन फिशरी इन्क्लूड्स कैप्चर ऑफ़ फ़िश फ्रॉम सी वाटर यहाँ पर हम फिशेज़ कहाँ से कैप्चर करते हैं सी वाटर से सॉल्टी वाटर से इंडियन कोस्टल लाइन इज़ अबाउट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स लॉन्ग ये आपने अपने टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था जोग्राफी में कि इंडिया का जो कोस्टल लाइन है जो सी का कोस्ट होता है मतलब जो बाउंड्री होती है तो पूरे इंडिया में जो कोस्टल लाइन है वो कितनी बड़ी बताई गई है हमको पूरे इंडिया का अगर मैप निकाले तो इंडिया का तीन हिस्सा पानी में है सिर्फ नॉर्थ वाला एरिया माउंटेन से सराउंडेड है तो ये जो इंडिया का नीचे का नॉर्थ वेस्ट सॉरी ईस्ट वेस्ट और साउथ वाला जो रीजन पानी से सराउंडेड है ये पूरा कितना कोस्ट बाउंड्री कवर करता है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स का तो ये इतने एरिया में से हम जब फिश कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मरीन फिशरी क्या बोलते हैं मरीन फिशरी सो इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स लॉन्ग द कॉमन मरीन फिश आर विच आर दी कॉमन मरीन फिशिज़ हर्पिडॉन जिसको हम बॉम्बे डग बोलते हैं सार्जिनेला विच इज़ कॉमनली नोन एज सादीन रास्ट्रेलिगर विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैकरेल एंड स्ट्रोमैटस विच इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी एक्सपेंसिव फिश वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिश दैट इज़ पॉम्फ्रेट ओके जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पापलेट मच्छी बोलते हैं सो दैट वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मरीन फिशरी प्रोडक्ट ओके ऑल राइट नाउ कम्स द थर्ड डिविजन ऑफ फिशिंग दैट इज एस्टूरियन फिशरी एस्टूरी हमने क्या बताया कि जब एक रिवर एक सी से मिलती है तो दोनों का जो कनेक्टिंग लिंक होता है उस पर्टिकुलर छोटे से कैनाल को हम एस्टूरियन बोलते हैं एस्टुरियन फिशरी इंक्लूड्स कैप्चर ऑफ फिश फ्रॉम एस्ट्यूरी एस्टूरी इज अ प्लेस वेर रिवर मीट्स द सी एश्चुरी एक ऐसी जगह है समझो यहाँ से अगर आपके रिवर आ रही है और यहाँ पर आपका सी है तो ये जो बीच का कनेक्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलेंगे एस्टुरी। क्या बोलेंगे इसको हम एस्टुरी। सो एशुरी इज अ पॉइंट वेयर रिवर मीट्स द सी ओके और राइट फॉर एग्ज़ाम्पल सुंदरबन एरिया इन वेस्ट बंगाल सुंदरबन का जो घना जंगल है सुंदरबन को हम ऐसा भी बोलते हैं दैट इट इज़ मिनी अफ्रीका मिनी सॉरी मिनी अमेजॉन ठीक है अमेजोन का छोटा सा हिस्सा हमको सुंदरबन में देखने को मिलता है क्योंकि अमेजॉन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉरेस्ट वी कैन से इन द वर्ल्ड तो उसी का छोटा सा दृश्य देखना है तो हम सुंदरबन की बात करते हैं क्योंकि सुंदरबन में भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्री है बहुत एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स वाटर और डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स हैं ठीक है राइट अब यहाँ पर हमको नेक्स्ट क्या बताया गया है कुछ कॉमन फैक्टर्स बताए गए कि अगर हमको फिश फार्मिंग करनी है तो हमको कुछ कॉमन फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं जैसे हमने देखा था आ, पोल्ट्री फार्मिंग के टाइम पर या जैसे हमने देखा था डेयरी फार्म के टाइम पर वैसे ही हमको फिशिंग के टाइम पर कौन सी चीज़ें याद रखनी होती हैं सो द कॉमन फैक्टर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिश फार्म इंक्लूड्स सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ सूटेबल साइट आप जहां पर भी अपना पौंड या जहां पर भी इनलैंड फिशरी करने वाले हैं वो एरिया सूटेबल है कि नहीं है फिशेज को ग्रो करने के लिए एक्सकवेशन ऑफ पॉन्ड्स एक्सकवेशन ऑफ पॉइंट्स मतलब छोटे छोटे जब आप तालाब बनाते हो आप नया पॉन्ड खड्डा करके बनाते हो तो जिस ज़मीन पर आप खड्डा कर रहे हो उस जमीन का एरिया कैसा है वहाँ की सॉइल कैसी है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें पानी भरा और पानी सारा नीचे सीप कर गया सो एक्सकवेशन ऑफ पॉन्ड द एरिया शुड ऑल्सो भी सिलेक्टेड वाइजली रिक्वायरमेंट्स ऑफ हैचरी टैंक जहां पर फिशेस के एग्स हैच हो सके मतलब मछली जो अंडा देती है उस अंडे को हमको संभाल के साइड में रखना होता है अगर हम अंडे को पानी में ही छोड़ देंगे तो दूसरी मछली उस अंडे को खा जाएगी ठीक है so, सो अंडे को हैच करने के लिए मतलब अंडे से ब्रेक करके फिश बाहर आने के लिए हमको एक अलग टैंक पालना पड़ता है एक टैंक रखना पड़ता है सो हैचरी टैंक शुड ऑल्सो भी अवेलेबल नर्सरी टैंक मतलब जब मच्छी अंडे में से मच्छी निकल जाएगी तो उस टैंक से निकाल के उसको दूसरे टैंक में डाल दिया जाएगा जहाँ पर उसको न्यूट्रिशंस मिलेंगे फूड मिलेगा सो दैट इज नर्सरी टैंक देन रियरिंग टैंक रेयरिंग टैंक मतलब क्या होता है जहाँ पर वो फिश थोड़ा ग्रो होगी फिर आता है स्टॉकिंग टैंक और पॉन्ड स्टॉकिंग टैंक मतलब जहाँ पर अब वो फिश ग्रो हो गई है रेयरिंग टैंक में आपकी फिश ग्रो हो गई है अब उसको हम नॉर्मल टैंक में डाल देंगे या नॉर्मल पॉंड में डाल देंगे ठीक है वाटर सोर्स मैन्योर सप्लीमेंट्री फीड ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिशेस का खाना अलग होता है अलग अलग वाटर बॉडीज के लिए अलग अलग न्यूट्रेटिव फूड होते हैं फूड सप्लीमेंट्स होते हैं तो आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी होती है कि आप सारे फिशेस को या सारे एक्वेटिक एनिमल को सेम खाना नहीं दे सकते ठीक है द द कल्चर फिशरी मे बी मोनोकल्चर मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक पॉन्ड में एक ही टाइप की फिश उगाओ और इट कैन बी पॉलीकल्चर आप एक ही पॉन्ड में अलग अलग टाइप की स्पीशीज की फिशेज भी ग्रो कर सकते हो मतलब अगर मुझे पॉम्फ्रेड ग्रो करना है तो मैं सिर्फ पॉम्फ्रेड ग्रो करूँ तो इसको हम बोलेंगे मोनोकल्चर मतलब सिंगल स्पीशी ग्रो कर रहे हो लेकिन एक से ज़्यादा स्पीशी अगर आप ग्रो करोगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीकल्चर डिड यू अंडरस्टैंड ऑल अब आगे के बताया गया है कि फिशिज़ को जब आप पकड़ लेते हो मतलब जब बड़ी बड़ी फिशिज़ को आप मरीन वाटर बॉडी या इनलैंड

मतलब उसको या तो आप एकदम ठंडे टेम्परेचर में डाल दो जैसे लिक्विड नाइट्रोजन के साथ डाल दो तो वो एकदम कड़क हो जाएगी एकदम फ्रीज़ हो जाएगी उसके अंदर के सारे एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी और फिश स्पॉइल नहीं होगी सन ड्राइंग धूप में फ़िश को सुखाओ जो कि ज़्यादातर होता है बीचेस वगैरह पे देन स्मोक ड्राइंग उसको धुआं लगाओ और फिर उसको सन में सुखाओ या उसके ऊपर नमक लगा दो दिस इज वन ऑफ द वेरी एंशंट टेक्निक सॉल्टिंग एंड ड्राइंग एंड कैनिंग मतलब नमक लगा के उसको कैन में पैक करके रख दो एक्स्ट्रा सॉल्ट के वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्ट टॉलरेंट नहीं होते हैं ठीक है तो आपकी फिश जल्दी नहीं खराब होगी इन एडिशन टू द सोर्स एज न्यूट्रिशियस फूड फिश ईल्ड नंबर ऑफ़ बाई प्रोडक्ट्स देखो फ़िश को हम डायरेक्ट फ़ूड सोर्स के जैसा तो यूज़ करते ही है मतलब डायरेक्ट भी फ़िश खाते हैं लोग नॉन वेजिटेरियंस लेकिन फ़ूड सोर्स के अलावा भी फ़िश के बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं जैसे कि वो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके देती है विच आर ऑफ कमर्शियल वैल्यू कमर्शियल वैल्यू मतलब क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ मनी सो दे आर फिश ऑयल ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं फ़िश ऑयल फ़िश मीट फर्टिलाइजर्स फ़िश गुआनो फ़िश ग्लू एंड आइसिन ग्लास वो जो फिश के ऊपर की स्केल होती है ना जो ऐसे मच्छी वाले साफ कर करके निकालते हैं वो भी मटेरियल यूज किया जाता है इवन दैट वेस्ट इज यूज इन द मार्केट दीज आर बाय प्रोडक्ट्स दीज बाई प्रोडक्ट्स आर वाइडली यूज इन पेंट्स फिशज की बॉडी से जो ऑयल्स निकलते हैं या उनकी स्केल्स जो निकलती हैं उनको हम पेंट्स सोप ऑइल और मेडिसिन में यूज़ करते हैं बिकॉज दे हैव एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ फैट इन दैन ओके विच गिवट वी से प्रॉपर कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर होल्डिंग कैपेसिटी टू होल्ड मैनी डिफरेंट मोलिक्यूल्स टुगेदर प्रॉन्स एंड लॉब्सटर्स जो हम बोलते हैं झींगा वगैरह दे हैव मार्केट वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी मार्केट वैल्यू कभी कम नहीं होती है इनका इकोनॉमिक प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा है जितना पहले था और इनका अमाउंट uh, और इनकी वैल्यू सिर्फ बढ़ते जा रही है फिशरी प्रोवाइड्स गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल मुंबई में स्पेशली बॉम्बे वॉज यूज टू बी नोन एज प्लेस ऑफ कोलीस मतलब यहाँ पर लोग पहले सिर्फ फिशिंग कल्चर को फिशिंग फार्मिंग को अपना मेन ऑक्यूपेशन परस्यू के जैसे मानते थे तो फिशिंग ये अपने आप में एक सेल्फ एप्लॉ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला टेक्निक है ठीक है जो लोग फिशिंग करते हैं उनको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता है सो इट इज़ अ व वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फिश फार्मिंग एंड हु लव टू वर्क इन एक्वेटिक ओशन और एक्वेटिक रीजन ठीक है सो डि यू अंडरस्टैंड एवरी थिंग अबाउट फिश फार्मिंग ऑल राइट ऑल राइट सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज सेरीकल्चर हमने फिशरीज देखा अब हम देखेंगे कि सेरीकल्चर क्या होता है सेरी मीन्स सिल्क एंड कल्चर मीन्स ग्रोइंग मतलब हम सिल्क वॉम प्रोड्यूस करते हैं ताकि उसमें से सिल्क बना सके ठीक है और ये जो टेक्निक है ये आज से आज से स्टार्ट हुई है ऐसा कुछ नहीं है दिस पर्टिकुलर टेक्निक हैज़ बीन फॉलोड सिंस थाउजेंड्स ऑफ यर्स और ये सेरिकल्चर फार्मिंग करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन चाहिए ऐसा कुछ नहीं है ये बहुत सारे डिसेबल्ड लोग और बहुत सारे जो ओल्ड होते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो लोग भी इस पर्टिकुलर फार्मिंग को अपना ऑक्यूपेशन परस्यू करते हैं तो देखिए देखते हैं कि सेरिकल्चर में क्या दिखाया गया है क्या बताया गया है सेरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड जूलॉजी विच डील्स विथ रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क रेयरिंग करना मतलब क्या होता है सिल्क वर्म को ग्रो करना ठीक है तो अलग अलग सिल्क वर्म्स को हम ग्रो करते हैं और उसमें से सिल्क प्रोड्यूस करते हैं अब सिल्क बनता कैसे है आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है टेंथ स्टैंडर्ड में फिर भी लेटस अ क्विक लुक Like other farming, like poultry farming, like dairy farming, like any other farming, uh, sericulture also involves skill and scientific knowledge for rearing and development. See, you need basic knowledge about science, okay? You need basic knowledge that how an insect is to be cultivated or how an insect is to be reared, okay? इट रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट एंड इट कैन भी स्टार्टेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस और इसलिए मैंने बोला कि इसके लिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए ठीक है कोई ज़्यादा बड़ा बिजनेस मैन नहीं चाहिए दिस पर्टिकुलर ऑक्युपेशन कैन भी स्टार्टेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस एज वेल ओके इट इज़ द ओल्डेस्ट बिजनेस एंड लार्ज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन इंडिया सॉरी इट इज द ओल्डेस्ट बिजनेस एंड नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन इंडिया मतलब हमारी कंट्री में ये सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला ऑक्यूपेशन है एनिमल हजबेंड्री के टर्म्स में जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वाल्व करता है

मतलब देखो आपका सिल्क का क्वालिटी कैसा है ये डिपेंड करता है कि जो सिल्क हैं हैं वो कौन से पत्ते खा रहे हैं। क्योंकि हमारे वर्म्स जो पत्ते खाएंगे वैसा ही धागा प्रोड्यूस करेंगे ठीक है तो आपकी बटरफ्लाई एग्स देती है वो एग्स एक पर्टिकुलर मलबरी के लीव्स के ऊपर देती है मतलब मलबरी लीव मलबरी सिल्क ये सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा कॉमन सिल्क माना जाता है सो so, आपकी बटरफ्लाई मलबरी के लीव्स के ऊपर अंडे देती है वो अंडे जब हैच हो जाते हैं जब उनमें से वर्म्स निकलते हैं तो वो वर्म्स उस मलबरी के लीव को खाते हैं मलबरी के लीव को खाकर हमारे सिल्क वर्म ग्रो होते हैं फिर ये सिल्क वर्म जो है ये अपने आजू बाजू में ककून बना लेते हैं एक शेल बना लेते हैं ठीक है और ये शेल में मतलब ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो धागे के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं जो इनका वर्म्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जब भी अपने आजू बाजू में ककून बनाते हैं तो वो ककून धागे से बना हुआ होता है सिल्क के थ्रेड से बना हुआ होता है तो हम क्या करते हैं हम उस पूरे ककून को बनने का वेट नहीं करते कि ककून में से बटरफ्लाई निकले तब हमको सिल्क मिलेगा नहीं हम उस ककून को वो बटरफ्लाई बनने से पहले ही गर्म पानी में बॉईल कर देते हैं तो उसके अंदर जो वर्म होता है जो बटरफ्लाई बनने वाला होता है वो पहले ही मर जाता है ठीक है तो समझो अगर आपके पास हंड्रेड ककूनस हैं तो उसमें से आप नाइन्टी ककूनस को बॉयल कर दोगे उसमें से धागा निकाल लोगे सिल्क का और टेन ककूनस को हम बटरफ्लाई बनने देंगे क्योंकि साइकिल कंटिन्यू भी तो होना चाहिए अगर हमने हंड्रेड के हंड्रेड एक्स को बॉइल करने

कॉल्ड मलबरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म बॉम्बिक्स मोरी जो एक पर्टिकुलर स्पीशी है वर्म की बॉम्बिक्स मोरी उससे हमको सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क मिलता है वाइल टसर सिल्क एंड एरी सिल्क आर ऑफ लिटिल इन्फीरियर क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी अगर पूछी जाए तो मलबरी सिल्क की है और थोड़ा सा उससे लो क्वालिटी इज टसर सिल्क एंड एरी सिल्क यह मलबरी सिल्क और टसर सिल्क का क्वेश्चन ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बोर्ड में पूछा गया है ओके बट सिंस आपके सिलेबस में से पोर्न रिड्यूस्ड है तो शायद ये ना पूछा जाए तो इट्स ओके okay. द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ सिल्क डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मलबरी लीव्स मैंने आपको पहले ही बोला आपके सिल्क का क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा लीव के क्वालिटी के ऊपर ऑन विच द लारवे फीड जिस जो अंडा खाएगा वैसा ही सिल्क प्रोड्यूस होगा रेयरिंग डेवलपमेंट एंड लुकिंग आफ्टर द सिल्क वर्म्स इन्वॉल्व स्किल एंड लेबर फॉर कॉन्स्टेंट वॉच देखो इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इंसान सिल्क इंडस्ट्री चलाता है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए क्योंकि वो वर्म मतलब बटरफ्लाई अंडे देगी अंडे में से वर्म निकलेगा वर्म्स पत्ते को खाएंगे फिर वो ककून बनाएंगे ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन ये है बहुत ही लेंदी प्रोसेस तो जो इंसान ये काम करता है उसके अंदर बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए और उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को कॉन्स्टेंटली देख सके और उनको समझ सके ठीक है सो द पर्सन नीड्स टू बी वेरी पेशेंट अ लिटिल नेग्लीजेंस कैन स्पॉइल द कम्प्लीट इंडस्ट्री अगर थोड़ा सा भी ध्यान घटा तो दुर्घटना घट गट जाएगी अगर थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ वहाँ हट गया तो वहाँ पर दुर्घटना हो जाएगी मतलब इट कैन कम्प्लीटली डैमेज द इंडस्ट्री सिल्क वर्म लार्वे में बी इन्फेक्टेड बाई प्रोटोजोवन्स अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है कि जो सिल्क वर्म्स होते हैं कभी कभी उन पर प्रोटोजोवन इन्फेक्शन हो जाता है तो जिसके वजह से आपके वर्म्स ग्रो नहीं होंगे और आपको ककून नहीं मिलेगा सो दे कैन भी इन्फेक्टेड बाय प्रोटोजोवन्स वायरस इज एंड फनजाय बिसाइड दीज इसके अलावा भी और कौन कौन से डेंजर होते हैं हमारे सिल्क वर्म्स को एंट्स चीटियाँ क्रो बर्ड्स एंड अदर प्रिडेटर्स आर रेडी टू अटैक दीज इंसेक्ट्स हैंस द केजेस ऑफ दीज लार वे मस्ट बी मैनेज टू प्रिवेंट अ प्रीडेटर्स अटैक मतलब ये छोटे 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 अंडे में से जो छोटे छोटे वर्म निकलते हैं उन वर्म को कौआ उड़ा के ले जाएगा चिड़िया उड़ा के लेके जाएगी या चिटियाँ लग जाएंगी तो बहुत नाजुक होते हैं ये वर्म सिल्क वर्म्स तो इनका ध्यान भी उतने ही ज़्यादा सीरियसली रखा जाना चाहिए इनके जो केज होते हैं इनके जो पिंजरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड होना चाहिए कि, कि किसी भी तरीके से कोई भी पर्टिकुलर क्रीडेटर इनके ऊपर अटैक ना कर सके और हमारी इंडस्ट्री ख़राब ना हो स्पॉइल ना हो और हमको जो क्वालिटी मिले सिल्क की वो सबसे बेस्ट हो सो डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेरीकल्चर ऑल राइट ऑल राइट अब हम देखते हैं हमारा सबसे लास्ट टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग टेक्निकार्मिंग फार्मिंग टेक्निक दैट इज अवर लैक कल्चर अब इस लैक कल्चर के बारे में हमको क्या बताया गया है लैक एक इंसेक्ट होता है मतलब लैक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम स्टिक करने के लिए यूज करते हैं इट इज़ अ ग्लूई मटेरियल मतलब ये स्टिकिंग सब्सटेंस है लेकिन ये लैक प्रोड्यूस होता है एक इंसेक्ट से ठीक है तो चलिए लैक कल्चर के बारे में देखते हैं और इसका लाइफ साइकिल भी देखेंगे इस इंसेक्ट का अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया गया है लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट ट्रेकार्डिया लैका ये मैं लास्ट ईयर तक मैं बच्चों को ये बोलती थी कि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंसेक्ट का नाम अंडरलाइन करके इसको टेन टाइम्स प्रैक्टिस करो लेकिन इस साल का जो बैच है उनको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये हंड्रेड परसेंट कम्पलसरी है कि आप हर एक चीज़ का हर एक इंसेक्ट का नेम कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस करो क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं सो लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंसेक्ट ट्रकारिया ला का विच इज क्वाइट स्मॉल इन साइज एंड कलोनियल इन हैबिट क्या बताया गया हमको यहाँ पर कि ये जो इंसेक्ट होता है ये साइज में बहुत स्मॉल होता है और ये इंसेक्ट अकेला नहीं रह सकता इट नीड्स लॉट ऑफ पीपल सो इट इज़ कलोनियल ओके पीपल एज एन इट नीड्स लॉट ऑफ पॉपुलेशन इट नीड्स लॉट ऑफ अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो अकेला ग्रो नहीं हो सकता ठीक है रेसिन लाइक बाय डर्मल ऑफ फीमेल इंसेक्ट अब हमको क्या बताया गया है कि जो फीमेल लैक इंसेक्ट होती है फीमेल ट्रकार्डिया लाका होती है उसके डर्मल ग्लैंड में से मतलब इस इंसेक्ट के स्किन में से रेसिन जैसा सब्सटेंस बनता है रेसिन मतलब किशमिश जो मनु का होता है किशमिश जैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है मतलब आपने देखा होगा कि बहुत बार ट्रीज के ऊपर ऐसे ब्राउन कलर का क्रिस्टल जैसा सब्सटेंस रहता है जिसको हम बोलते हैं कि चिपकली का पॉटी है या गिरगिट गीरी का पॉटी है तो वैसा ही है ना एकदम ट्रांसपेरेंट सा ब्राउन कलर का रेसिन जैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज लैक ओके रे। सो द डर्मल ग्लैंड ऑफ फीमेल लैक इंसेक्ट प्रोड्यूस रेसिन लैक सब्सटेंस इंसेक्ट फीड्स ऑन सक्यूलेंट ट्विक्स ऑफ सर्टन प्लांट्स लाइक बेर पीपल पालस कुसुम बाबुल एटसेट्रा एंड सेक्रेट्स पिंक कलर रेजिन दैट हार्डन ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर फॉर्मिंग लैक मतलब क्या बोला गया है कि हमारा ये जो इंसेक्ट है टेकार्डिया लाका ये जो इंसेक्ट है हमारा ये छोटे 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 कीड़े मकोड़ों को खाता है और ये ज़्यादा करके कौन से पेड़ पर रहता है मतलब कौन से पेड़ पर ये इंसेक्ट हमको देखने को मिलेंगे बेर पीपल बा, बाबुल आ, पालस कुसुम ऐसे जो ब्यूटिफुल फ्लावर्स जिनमें होते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा स्मेल uh, uh, आती है स्मेल एज एन फ्रेगरेंस अरोमा वाले जो प्लांट्स होते हैं खुशबूदार प्लांट्स उनमें हमको ये इंसेक्ट देखने को मिलेंगे तो ये इंसेक्ट जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है मतलब फीमेल इंसेक्ट के स्किन में से जो ये गम निकलता है वो गम वैसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन जैसे वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है वो एकदम हार्ड हो जाता है इट हार्डन्स वेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड दैट इज़ नोन एज लैक ठीक है उस गम को हम क्या बोलते हैं उस रेजिन लाइक -like सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं लैक इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल ऑल ओवर इंडिया ये जो लैक प्रोडक्शन है ये पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है लैक इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेसिन टुगेदर विद शुगर वाटर मिनरल्स एंड अल्कलाइन सब्सटेंसेस मतलब हमको यहां पर क्या बोला गया है कि आपका ये जो लैक प्रोडक्ट है ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो अलग अलग मोलिक्यूल से मिलकर बना है अलग अलग मॉलिक्यूल्स मतलब कौन से शुगर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल और मिनरल्स uh, और अल्कलाइन सब्सटेंसेस तभी तो वो थिक हो जाता है जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है नेचुरल लैक इज़ ऑलवेज कंटेमिनेटेड क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जैसे इंसेक्ट ने अपने स्किन में से ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो वो एयर के साथ मिल के मिलावटी बन जाता है कंटेमिनेटेड हो जाता है क्या हो जाता है कंटैमिनेटेड शलैक प्योर फॉर्म ऑफ लैक फिल्टरिंग तो हम इस नेचुरल लैक को वॉश करते हैं फिल्टर करते हैं प्योरीफाई करते हैं और तब जाके हमको जो प्योर लैक मिलता है उसको हम बोलते हैं इमेजिन है? मतलब करो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैक इंडिया में बन रहा है एट्टी फाइव परसेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा लैक इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स ऑफ लैक प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द फार्मर्स लैक इज़ यूज इन बैंगल्स टॉयज वुडवर्क इंक मिररर एट्सेट्रा ये जो लैक है इसको हम मिरर चमकाने के लिए यूज़ करते हैं शाइन करने के लिए जो चूड़ियाँ होती हैं कांच की चूड़ियाँ वो चूड़ियाँ स्टिक करने के लिए जो गम यूज़ किया जाता है वो होता है लाक आपने सुना होगा बहुत बार हिंदू रिलीजन में जब न्यूली वैर मैरिड लेडी होती है न्यूली मैरिड ब्राइड होती है उसको लाख की चूड़ी पहनाई जाती है वो लाख की चूड़ी क्या होती है वो एक्चुअली इस प्योर गम से स्टिक की जाती है ठीक है वो आर्टिफिशियल बैंगल नहीं होती है उसको गर्म करके इस लैक के साथ ये जो प्योर गम होता है इसके साथ उसको स्टिक किया जाता है ठीक है सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी रिजिड और बहुत सारे टॉयज में भी ये, ये यूज़ किया जाता है ये गम बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टिकिंग कैपेसिटी सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल यूज़ इकोनॉमिक यूज यू कैन से प्रोडक्शन ऑफ लैक रिक्वायर्स एन आर्टिफिशियल इनाक्यूलेशन ऑफ प्लांट्स विच गिव बेटर एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ लैक हमको क्या बोला गया है कि अगर आपको ये इंसेक्ट ज्यादा अमाउंट में ग्रो करना है आपको ज़्यादा अमाउंट में अगर लैक चाहिए तो आपको ऐसे ट्रीज ग्रो करने पड़ेंगे या एटलीस्ट ट्रीज़ का ऐसा ब्रांच ग्रो करना पड़ेगा ब्रांच सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पर आप इन इंसेक्ट्स को रख सको और वहाँ पर छोटे 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 ट्विक्स ग्रो हो सके ट्विक्स यानी कि दीमक या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टर्माइट्स वगैरह जिनको यह इसेक्ट खाकर लैक प्रोड्यूस कर सके क्योंकि जितना ज़्यादा लैक इंसेक्ट होगा उतना ज़्यादा

वो वहाँ पर जाकर बैठता है फिर अडल्ट फीमेल वहाँ पर जाती है फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है फ़र्टिलाइजेशन के बाद एग्स ले किए जाते हैं क्या ले किए जाते हैं छोटे छोटे एग्स दिए जाते हैं वो एग्स जब हैच होते हैं ठीक है तो वो जब एग्स हैच होते हैं ऐसा देखो यहाँ से फीमेल गई और यहाँ से मेल गया दोनों जन उस लकड़ी के ऊपर बैठकर फर्टिलाइजेशन कर रहे थे फ़र्टिलाइजेशन करते वक्त वो लोग उस पर्टिकुलर वुड का ट्विक्स खा रहे थे ठीक है तो वो लोग दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया अंडा दिया अंडे का लेइंग प्रोसेस ख़त्म हुआ एंड ऑफ लेइंग अंडा जब ले करके ख़त्म हो गया तो अब उसकी हैचिंग की बारी आई मतलब उसमें से अब इंसेक्ट निकलेंगे तो हैचिंग के बाद क्या होता है जब अंडा ले कर दिया जाता है एंड ऑफ एग लेइंग येलो स्पॉट्स इंडिकेट श्रिंकिंग ऑफ फीमेल ओके सो ऑरेंज स्पॉट्स इंडिकेट एग्स आर अबाउट टू हैच क्या बोला जाता है हमको कि जैसे जैसे उस अंडे में ऑरेंज स्पॉट आने लग जाता है वैसे समझ जाना चाहिए कि अब ये एग्स हैच होने वाले हैं एग्स हैच होकर उसमें से क्या निकलते हैं लार्वा निकलते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज क्रॉलर्स ना दिज क्रॉलर्स और लार्वा दिस सेटल ऑन होस्ट होस्ट मतलब वो लोग अब नए लकड़ी के ऊपर बैठेंगे जो क्वालिटी की लकड़ी हमने यहाँ यूज़ की थी वही क्वालिटी की लकड़ी हम यहाँ यूज़ करेंगे तो वो लोग ये नए वुड के ऊपर बैठते हैं जैसे हमने बोला बेर का पेड़ या पीपल का पेड़ या बाबुल का तो उस नई लकड़ी के ऊपर ये uh, crawlers बैठते हैं वो के फॉर्म में जाते हैं जैसे हमने बोला था ना कॉकरोच छोटा होता है तो उसको हम नीम बोलते हैं और जब बड़ा हो जाता है तो अडल्ट कॉकरोच बोलते हैं वैसे ये इंसेक्ट लार्वे स्टेज से मेटामोसिस में जाते हैं और ये अडल्ट फीमेल बनते हैं और जो मेल्स होते हैं मेल्स कम्स आउट फ्रॉम एनल ओपरक्यूलम मेल्स uh, का भी अपना स्ट्रक्चर चेंज होता है उनका जो ओपरक्यूलम स्ट्रक्चर मतलब उनका जो पीनस वाला रीजन होता है वो डेवलप हो जाता है और वो मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट मेल बन जाते हैं और फीमेल्स जो हैं वो मेटामॉफोसिस करके अडल्ट फीमेल बन जाती हैं और ये फ़र्टिलाइजेशन करके ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है तो हमको लैक कहाँ से मिला हमको गम कहाँ से मिला थोड़ा गम यहाँ से मिला क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा था और थोड़ा सा गम यहाँ पर मिला ठीक है समझ में आया यहाँ पे बहुत कम गम मिलता है क्योंकि यहाँ पर अभी तक फीमेल अडल्ट नहीं हुई है लेकिन यहाँ पर अडल्ट फीमेल फर्टिलाइजेशन कर रही है तो सबसे ज्यादा लैक हमको यहाँ पर मिलेगा जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है सो डिड यू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ द इंसेक्ट ऑल राइट ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा वैसे तो ये 2020 ट्वेंटी बैच के लिए मतलब 2020 थाउजेंड ट्वेंटी और टू का जो बैच है उनके लिए ये टॉपिक स्किप किया गया है ओमिट किया गया है लेकिन जो आने वाली बैचेस होंगी उनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल मेंशन किया जाएगा और उनको ये ज़रूर पढ़ना होगा तो हम लॉन्ग टर्म का अगर सोचें तो अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो बुरी नहीं होती है ओके सो मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट गो थ्रू दीज टॉपिक्स वंस एक बार ज़रूर ये टॉपिक्स देखें ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ पता चले क्योंकि सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग Uh, इसके अलावा अगर आपको आज के सेशन में कोई डाउट होगा तो मेक श्योर दैट यू क्लियर योर डाउट्स बाय आस्किंग देम इन अवर कमेंट सेक्शन अगर वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए क्योंकि अब पोर्शन रिड्यूस हो गया है तो चांसेस हैं कि बोर्ड एग्जाम्स टाइम पर हों और बोर्ड एग्जाम्स अगर टाइम पर होंगे तो आपको सारे वीडियोज़ फटाफट देख कर समझ कर लिखना लिख कर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ठीक है और अब तक अगर आपने हमारी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान लैब for further notifications all right thank you stay tuned see you soon with the fresh concept which is included in your board syllabus